हमेशा की तरह जीवीएम किड्स वैली स्कूल सोनीपत के वार्षिक उत्सव में इस बार भी शिक्षा, कला और रोमांच का संगम देखने को मिला। स्कूल में बेबी शो और टैलेंट हंट का भी आयोजन किया गया। दुल्हन की तरह सजे स्कूल में आज जहां विद्यार्थियों ने अपने ज्ञान और नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया, वहीं हरियाणवी संस्कृति और लोक गायन गीतों पर क्या बुजुर्ग, क्या युवा और अभिभावक सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान स्कूल छात्राओं द्वारा स्कूल के मुख्य द्वार पर सभी अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस दौरान स्कूल को रंगोली सहित विभिन्न प्रकार के स्लोगन से सजाया गया। वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक सुरेंद्र पवार और मास्टर अर्णव धमीजा पहुंचे, जिनका स्कूल की छात्राओं के द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया गया। सभी अतिथियों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान चीफ गेस्ट सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार ने आज के कार्यक्रम की सराहना करते हुए स्कूल प्रबंधन को शुभकामनाएं दी। विद्यार्थियों, शिक्षकगणों, स्कूल स्टाफ व समस्त जनमान्यजनों को स्कूल के वार्षिकोत्सव की मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जीवीएम किड्स वैली स्कूल के प्रांगण में आमंत्रित करने पर मैं प्रबंधन समिति का हार्दिक आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जीवीएम किड्स वैली स्कूल 2020 से शिक्षा के क्षेत्र में अतुल्य योगदान दे रहा है। यह स्कूल न सिर्फ शिक्षा देने का काम करता है, अपितु विद्यार्थियों के मजबूत भविष्य की नींव तैयार करता है। संस्था पूरे हरियाणा में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा शिक्षाविद जो इस संस्था के बारे में और इसके कितनी इन्होंने ऊंचाई शिक्षा इस शिक्षण संस्थान को पहुंचाया, तो मैं डॉक्टर साहब को जो है बार बार जो है नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा आज तक ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सभी को एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आज जीवीएम संस्था का प्रत्येक शिक्षक संस्थान विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों की भी पसंद बन गया है। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी परूथी जी ने समाज में बच्चों को शिक्षित करने का जो बीड़ा उठाया है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं पुण्य स्कूल प्रबंधन समिति, शिक्षकगणों, स्कूल स्टाफ व विद्यार्थियों को वार्षिकोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस दौरान सभी विद्यार्थियों ने डांस के माध्यम से खूब मस्ती की, जिसमें सभी बच्चों ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों ने डांस परफॉर्मेंस के साथ साथ फैशन शो और बेबी शो भी किया। स्कूल प्रिंसिपल भावना चांदना ने स्कूल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए अभिभावकों व अतिथियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया। I have also studied in this school. आप जहां पढ़े और वही की प्रिंसिपल, I feel so proud. My teachers and my staff very working hard to write new stars. So let's embrace spirit of celebration and unity on this day and continue to work toward making our school the best it can be. Thank you all for this time and attention. I hope you will enjoy. Thank you. सांस्कृतिक कार्यक्रम के उपरांत प्रिंसिपल और अन्य अध्यापकों का सम्मान करते हुए उन्हें उपहार स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किए। स्कूल प्रबंधक व प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों को जीवन में अपनी मेहनत पर विश्वास करते हुए खूब मेहनत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रेसिडेंट डॉक्टर ओपी पृथ्वी, जनरल सेक्रेटरी सुभाष डोंडा, मैनेजर डॉक्टर शकुंतला घोगर, को मैनेजर विनोद पूर्थी, प्रिंसिपल डॉक्टर कविता, हेड मिस्ट्रेस भावना चांदना मौजूद रहे। सोनीपत से जगत महान, न्यूज़ की रिपोर्ट।